पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस वीडियो में हम आपको नए संसद भवन के निर्माण से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें बता रहे हैं। सरकार और अधिकारियों के मुताबिक संसद के बढ़ते काम के कारण एक नई इमारत के निर्माण की जरूरत महसूस की गई। अभी का संसद भवन ब्रिटिश दौर में बना था, जो लगभग 100 वर्ष पुराना है और उसमें जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नया संसद भवन अक्टूबर 2022 तक बन जाएगा। काम दिसंबर 2020 में शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि इसके निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने अभी केवल आधारशिला रखने की इजाजत दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भरोसा दिया है कि इससे संबंधित याचिकाओं पर जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं दे देती, तब तक सरकार किसी भी तरह के निर्माण या फिर तोड़फोड़ का काम नहीं करेगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद की नई इमारत बनाने की लागत लगभग 971 करोड़ रुपए होगी। नई इमारत बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। उसने सितंबर 2020 में 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया था। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइंस ने तैयार किया है। अधिकारियों के मुताबिक संसद के नए भवन में निचले सदन लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नई इमारत में लोकसभा भूतल में होगी, वहीं उच्च सदन राज्यसभा के 384 सदस्य इसमें बैठ सकेंगे। ऐसा भविष्य में सांसदों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया है। भारत में अभी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां पर 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर होगा। ये मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। मंत्रालय के अनुसार नया संसद भवन अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त होगा। सोलर सिस्टम से ऊर्जा बचत भी होगी। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की नई इमारत सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। नए भवन की सज्जा में भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। 566 मीटर व्यास वाले संसद भवन का निर्माण साल 1921 में शुरू हुआ था। ये 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। ब्रिटिश काल के इस संसद भवन का डिजाइन सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।